फ्रेंड्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लोग वर्कआउट करते हैं वो जिम में करें या फिर घर में करें, वर्कआउट के तुरंत बाद वह प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर हो गया या फिर प्रोटीन सोर्स वाले फूड ही लेते हैं। पर आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप बेटर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन चाहते हैं तो ये गलती भूलकर भी ना करें। रीज़न जानिए। एक्चुअल में प्रोटीन का यदि आप बेटर एब्जॉर्प्शन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके बॉडी का इंसुलिन लेवल को स्पाइक करना होगा। अब ये डायरेक्ट प्रोटीन से नहीं होगा, ये होगा कब, आपको वर्कआउट के बाद में सिंपल कार्ब्स वाले फूड लेने चाहिए, जैसे बनाना हो गए या फिर फ्रूट जूस। फ्रेश फ्रूट जूस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। फ्रूट जूस भी आपको लिमिट में लेना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंपल कार्ब्स वाले फूड ही जो है और ज़्यादा क्वांटिटी में इंटेक कर लें। आपको नॉर्मल खाना है, जैसे केले आप एक दो खा सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं नॉर्मल, तो उससे होगा क्या, आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल जो है वह स्पाइक होगा। इससे होगा ये कि जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा तो फिर जब आप प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर हो गया या फिर प्रोटीन वाले सोर्स जो फूड आप खा रहे हो, जब आप वो खाओगे तो उससे प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है वह आपकी बॉडी में अच्छे से हो पाएगा, और जिससे आपकी बॉडी में जो मसल गेन के लिए जो आप गोल लेकर चल रहे हो वो आप जल्दी ही अचीव कर पाओगे। तो यदि आप क्वालिटी मसल गेन करना चाहते हो तो कभी भी वर्कआउट के बाद तुरंत प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर ये सब इनटेक मत करो। सबसे पहले सिंपल कार्ब्स वाले फूड लो। आपको आइटम्स बता दिए, ऐसे कई आपको आइटम्स मिल जाएंगे जिसको आपको लिमिट क्वांटिटी में लेना, जिससे बॉडी में इंसुलिन लेवल जो है वह स्पाइक होगा और आप जो प्रोटीन लोगे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा, जिससे आपका मसल गेन का गोल भी आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो लगातार पाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।